हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉवर सेंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को उस अपडेट को बता दिया जाता है। तो फिलहाल आज जो एक अपडेट आई है बिहार से, बहुत बड़ी अपडेट है और ये जो अपडेट है वो अदर राज्य वाले छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब से यहाँ पर डोमिसाइल नीति हटी है, जो अदर स्टेट वालों को फॉर्म भरने से मौका दिया गया है, उसके बाद से बिहार के जितने भी छात्र हैं, शिक्षक हैं, बिहार के निवासी हैं और साथ ही साथ जितने भी विपक्ष की पार्टियाँ हैं में, वो सभी एकजुट हो गए हैं और नीतीश कुमार के ऊपर, यानी जो सीएम है वहां कर, उनके ऊपर जो है धावा बोल दिया। तो फिलहाल यहां पर जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा परेशान थे बिहार के, उसी को लेकर के यहां पर नीतीश कुमार जी ने एक मीटिंग बुलाई है और वो मीटिंग जो है उसमें नियमावली में बदलाव करने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया है। फिलहाल जो अपडेट है उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म डाल चुके हो या डालने वाले हो और आप लोगों को घर बैठे बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन सही से चाहिए तो इस चैनल को तो आप तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब ही कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर एक अपडेट बिल्कुल सही दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं आज की अपडेट क्या है। तो ये आप देख लीजिए, यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, आज ही की अपडेट है। लिखा है, नई शिक्षक बहाली नियमावली पर पुनर्विचार कर सकते हैं नीतीश, मानसून सत्र के बाद महागठबंधन की बैठक। यहां पर लिखा है कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 14 जुलाई तक चलेगा, इसके बाद सीएम नीतीश शिक्षक भर्ती नियमावली पर चर्चा के लिए महागठबंधन की बैठक बुला सकते हैं। ये देखिए लिखा है यहाँ पर, बिहार टीचर रिक्रूटमेंट, बिहार में नई शिक्षक भर्ती नियमावली के खिलाफ हो रहे विरोध के बीच नीतीश कुमार इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को महागठबंधन विधायक दल की बैठक में कहा कि विधानमंडल के मानसून सत्र के बाद सभी दलों की बैठक बुलाई जाएगी, उसमें चर्चा किया जाएगा। इस बैठक में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए बीपीएससी की भर्ती परीक्षा में बैठने के फैसले के साथ ही डोमिसाइल नीति पर भी चर्चा की संभावना। ये एक बड़ी अपडेट है, जो डोमिसाइल नीति है इस पर चर्चा किया जा सकता है। बट मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप बिहार के छात्र हैं ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अदर स्टेट के छात्र हैं तो आप लोगों को भी परेशान नहीं होना है। हालांकि यहां पर थोड़ी सी टेंशन वाली बात तो आ चुकी है, क्योंकि यहां पर मीटिंग बुलाई जा रही है और आपने देखा होगा कि इतना संशोधन इस बीपीएससी टीचर वैकेंसी के फॉर्म में हुआ है कि क्या ही बताएं आपको। लेकिन फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो फॉर्म को आप जरूर डाल दीजिए, 15 जुलाई लास्ट डेट है। बाकी आप लोग टेंशन ना लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग जो है अंदर हैं तो आप अंदर रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा यहां पर बताया गया था आर्टिकल 16 और आर्टिकल 16 में आप सभी लोगों का अधिकार है, अगर आप अदर स्टेट के हैं तब भी आप लोग जाकर आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। अगर यहां पर नीतीश सरकार इसी वजह से जो है हम लोगों को शामिल भी किया था, उनको पता था कि हाई कोर्ट में केस हो चुका और हम लोगों को अंदर ही करना पड़ेगा, इसीलिए जो उन्होंने शामिल किया। तो अगर आप अदर स्टेट के छात्र हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो यहां पर न्यूज है इसको बार बार आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भेज रहे हो और यही पूछ रहे हो क्या सर हम लोग हट जाएंगे, तो मैं यही बता दूं कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। 99.9% आपको नहीं हटना है, ये चीज आप याद रखिएगा। और आप लोग जो है बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए और इस डर पे ना रहिए कि डोमिसाइल नीति पर जो है चर्चा होने वाली है, फिर से मीटिंग बुलाई जा रही है वहां पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल हम ये बता दें कि थोड़ा सा जो वहां पर सीएम नीतीश जी हैं थोड़े टेंशन में आ चुके हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां पर चुनाव होने वाला है और चुनाव को ही ध्यान में रखकर 1,79,000 यानी इतनी बड़ी वैकेंसी वहां पर निकाली गई। लेकिन गड़बड़ क्या हो गया कि वैकेंसी निकालने के बाद जैसे ही अदर स्टेट को शामिल किया गया, बिहार में इनका पासा जो है उलटता नजर आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो है यहाँ पर चुनाव के लिए इसको निकालें और अब सारे लोग विरोध में आ जाएंगे तो हमारी दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। हाँ, नियमावली में बदलाव कर सकते हैं बट डोमिसाइल नीति पर मुझे नहीं लग रहा कि बदलाव होनी चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और यहाँ पर बताया गया कि महागठबंधन में शामिल भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम ने सीएम नीतीश के सामने नई शिक्षक भर्ती नियमावली पर आपत्ति दर्ज कराई थी। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिखा है, बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 14 जुलाई तक चलेगा, इसके बाद सीएम नीतीश शिक्षक भर्ती नियमावली पर चर्चा के लिए महागठबंधन की बैठक बुला सकते हैं। हालांकि 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, ऐसे में यह फैसला विपक्ष की मीटिंग से पहले या बाद में भी हो सकता है। तो फिलहाल इस मीटिंग में जो कुछ भी होगा वो तो मैं आपको अपने चैनल पे बता दूंगा। फिलहाल आप लोग अपना फॉर्म डालिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से आप करते रहिए, टेंशन मत दीजिए अगर आप अदर स्टेट के छात्र हैं, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों को। तो जय हिंद।